जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की जबानी, हासी तेरी कहानी, हासी तेरी कहानी, आपने मुझे बुलाया? कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती हूँ देवयानी। सवाल? कैसे सवाल मामी जी? तुम इस घर में रवि की पसंद से बहू बनकर आई थी, ये बात सच है या झूठ? ये कैसा सवाल है मामी जी? इस घर में सबको ही जानता है कि मैं किस हालात में इस घर में आई थी। मैं और रवि एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और तुम प्रेग्नेंट थी, है ना देवयानी? जी मम्मी। क्या तुम्हारे इस प्रेगनेंसी के झूठे नाटक का सच रवि जानता है? मामी जी ये आप जवाब दो देवयानी। तुमने तो अपने और रवि के रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से की और झूठ पेटी के हुए रिश्ते को टूटने में देर नहीं लगती। क्या कमी रह गई थी तुम्हें इस घर में जो तुम्हें इस घर के पुश्तैनी गहने चुराने पड़े? इस झूठे रिश्ते के तले कितने सच को दबाए रखा है देवयानी? तुम्हारा प्यार झूठा है या तुम्हारे प्यार के रिश्ते में कोई खोट है? किन लोगों को धोखा दिया तुमने? उन लोगों को जिन्होंने हमेशा बाएं फैलाए तुम्हारा इस घर में स्वागत किया, तुम्हें बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह रखा, और तुमने आते ही गुल खिलाने शुरू कर दिए। मानती हूँ कुछ सांसें बुरी होती है, लेकिन अब पता चला सिर्फ सास नहीं, ऐसी बहुएं भी हैं जो घर को तबाह कर देती है, जो जिंदगी भर सिर्फ बहू बनकर रहना चाहती है, कभी बेटी नहीं बनती। ये बात तुम तब समझोगी जब तुम सास बनोगी। हमने हमेशा तुम्हारे साथ प्यार और अपनापन का रिश्ता निभाना चाहा, लेकिन तुमने हमेशा अपने चेहरे पर एक झूठ का मुखौटा पहन रखा था। हम उस मुखौटे के पीछे की असलियत हम कभी नहीं समझ सके। ऐसा क्यों किया देवयानी तुमने? क्यों किया ऐसा? जवाब दो। तेरी कहानी।
मैं जानती हूँ मम्मी जी, ये सब मेरे खिलाफ आप नहीं बल्कि किसी और की जबान बोल रही। आपको बुआ जी ने मेरे खिलाफ भड़काया है ना मम्मी जी? झूठ मैं नहीं बल्कि बुआ जी बोल रही है। आप बहुत इनोसेंट हैं, इसीलिए तो बुआ जी की सारी कही बातों में आकर आप मुझे झूठा समझ रही हैं। सच तो ये है कि अब ये भी राधा के साथ मिल गई है। अब आप ही बताइए, अगर मेरे खिलाफ वाली ये सारी बातें सही होती तो बुआ जी अब आपको क्यों बता रही है? उस समय क्यों नहीं बताया? बुआ जी किस बात का इंतजार कर रही थी बताइए मम्मी जी? मैं आपको बताती हूँ, अब बुआ जी की नीयत खराब हो गई। वो भी अजय और राधा की तरह पापा की प्रॉपर्टी हड़प लेना चाहती है। तुम किसके बारे में बात कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है? ललिता अपनी सारी प्रॉपर्टी छोड़कर आई। इसकी प्रॉपर्टी के सामने हमारी प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी जिसका घर उजड़ चुका हो, वो प्रॉपर्टी के लिए किसी का बसा बसाया घर नहीं उजाड़ सकती। ये सिर्फ तुम्हारी फितरत है देवयानी, सर तुम्हारी। और एक बात कान खोलकर सुनो, इस घर में ललिता पर उंगली उठाने का हक किसी को नहीं है। सुना तुमने? किसी को नहीं। इस घर में सबके साथ धोखा कर तुम सबका विश्वास खो चुकी हो। जो इंसान एक बार विश्वास खो देता है उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बाकी रहता। ये तुम्हारी बदकिस्मती है देवयानी कि इस घर में तुम किसी के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाई। इस घर ने हमेशा प्यार को अहमियत दी है, पैसों को नहीं। जो परिवार को पैसों के कभी मायने नहीं थे, उसी पैसों का सहारा लेकर तुमने हर एक के दिल में इतनी कड़वाहट भर दी के बाद हिस्से और बंटवारे तक आ पहुंचे। अब समझ में आ रहा है कि रवि के दिल में ये फितूर तुमने भरा है। एक बात कान खोल कर सुन ले देवयानी, इस घर में तुम्हें हमेशा बहू नहीं बेटी का दर्जा मिला। अगर तुमने अपना यह हक खो दिया तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचे। गोपाल, कुणाल कपूर बोल रहा हूं। एक्शन लेने का समय आ गया। ये बंदा कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहा है। देखो, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। सिर्फ ध्यान रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस पर नजर रख। ऑल द बेस्ट।
जूते। क्या बात है देवयानी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम बीच में मत बोला रवि, मैं अब इस घर में रहना नहीं चाहती। मेरा इस घर से जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं अपने आप के लिए कोई मुसीबत खड़ी करना नहीं चाहती, ना ही तुम्हारे घर वालों के लिए मुसीबत बनना चाहती हूँ। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊँ। घर से चली जाओगी? What nonsense! दिव्यानी मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। मैं इज्जत से जीने में बिलीव करती हूँ, बेइज्जती के साथ नहीं। मैंने तुम्हारे घर वालों को इज्जत दी, मान सम्मान दिया, प्यार दिया, कोई कमी नहीं रखी, और उसके बदले में मुझे ये सिला मिल रहा है। तुम जानते हो रवि, तुम्हारी माँ ने मुझ पर हाथ उठाया आज। What? माँ ने तुम पर हाथ उठाया? लेकिन क्यों? मुझे इस बात का दुख नहीं है रवि कि माँ ने मुझ पर हाथ उठाया, दुख तो इस बात का है कि जो गलती मैंने की ही नहीं उसका इल्जाम मुझ पर लगाया। कौन सा इल्जाम? तुम्हारी बुआ जी ने राधा के साथ मिलकर मुझ पर गहने चुराने का इल्जाम लगाया। अब तुम ही बताओ रवि, ऐसे में इस घर में कैसे रह सकती हूँ? आज तो तुम्हारी माँ ने मेरी बेइज्जती की, कल को बुआ जी और राधा भी मेरी इंसल्ट करेंगी। इस घर में पता नहीं क्यों सब मेरे ऊपर बेवजह इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मैं इस घर में नहीं रहूंगी रवि, बस। देवयानी, तुमने इस घर से जाने का फैसला कर ही लिया है ना, तो मेरा सामान भी पैक कर दो, कल हम दोनों साथ में यहां से निकल जाएंगे।